आज हम लोग बनस्थली ग्राउंड अहरौरा पर उपस्थित हैं। ये सारे खिलाड़ी हमारे साथ हैं, इसमें हर एज ग्रुप के बच्चे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विगत 2 सालों से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर निःशुल्क चलाया जाता है, जिसमें आसपास के जो दूर दराज के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो यहाँ आते हैं। सुबह शाम यहाँ पे वर्कआउट होता है, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे यहाँ वर्कआउट होता है। और कम संसाधनों में यहाँ पर बच्चों के साथ सुबह शाम अभ्यास कराया जाता है। ग्राउंड की समस्या है, इस ग्राउंड को किसी तरीके से तो बनाया गया है, काफ़ी बड़े बड़े चट्टानों को हटा के तोड़कर इस ग्राउंड को किसी तरीके से 200 मीटर का ट्रैक का एक रूप दिया गया है। और जो भी चीज़ें इन बच्चों को प्रैक्टिस के दौरान ज़रूरत पड़ती है, कोशिश की जाती है कि उसको उपलब्ध कराया जाए। और यहाँ पे अगर कहा जाए तो इन बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, थोड़ा सा संसाधनों की कमी है। हम इस चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ को दूर तक देना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी खिलाड़ी आते हैं वो लगन और मेहनत के साथ यहाँ पे अभ्यास करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इन खिलाड़ियों के अंदर अगर कुछ कमी है तो संसाधनों की कमी है। अगर यहाँ पे संसाधनों का अच्छे अगर संसाधन यहाँ पे उपलब्ध हो जाए तो निश्चित यहाँ से एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ विगत 2 सालों से जो ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है निःशुल्क, आज की डेट में यहाँ से 4 बच्चे जॉब पा चुके हैं और मेरे करीबन 8 या 10 बच्चे स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस साल 4 बच्चे स्टेट में जाके हॉस्टल का ट्रायल भी दिए हैं। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों के अंदर इतनी प्रतिभा है कि वो दिखती है, उनकी मेहनत दिखती है। तो इसी के साथ मैं इस चैनल के माध्यम से एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए, शासन प्रशासन वो यहाँ पे गरीब बच्चों, नक्सल क्षेत्र के बच्चों को अगर ध्यान दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये हमारे ज़िले और देश का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद।